गरी ना फ्री फायर टीम ने कुछ ऐसा लीक करा है जिसको देख करके बहुत सारे फ्री फायर प्लेयर्स कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हिंट होने वाला है फ्री फायर इंडिया का। चलिए बात करते हैं इस बारे में कि गरी ना फ्री फायर हमारे लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रही है और सरप्राइज हमें कब देखने को मिल सकता है। कल जब मैं हमारे इसी चैनल पर स्ट्रीम कर रहा था तो आप में से काफी सारे लोग कहने लगे कि फ्री फायर ने बहुत बड़ा हिंट दिया फ्री फायर इंडिया के रिगार्डिंग, प्लीज आप जाकर के चेक करो फ्री फायर इंडिया का पेज। मैंने शुरुआत में तो इग्नोर करा पर लेटर ऑन जब मैं गया तो मुझे कुछ ऐसा सरप्राइज नजर आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी वो ये था, मतलब आप नोटिस करो कि आलोक हमारे फ्री फायर का कुछ पोस्ट कर रहा है। चलो अच्छी बात है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आलोक एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको गरीना फ्री फायर ने एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन के अंदर लॉक कर रखा है और आपको फर्दर बार बार ये कोलैबोरेशन नजर आते रहेंगे गरीना फ्री फायर एक्स आलोक, और आलोक अपनी साइड से आकर के फ्री फायर को प्रमोट करता है। तो एक बहुत अच्छी चीज है कि आलोक को फ्री फायर पसंद है, फ्री फायर को आलोक पसंद है और लोगों ने पोस्ट करा, बहुत अच्छी बात है। पर इसके अंदर ब्राजील को टैग किया जाना चाहिए ना, फ्री फायर ब्राजील को, साथ में फ्री फायर इंडिया, ये चीज मुझे सेंस नहीं बनाई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो कुक हो रहा है अंदर आलोक के साथ फ्री फायर इंडिया के अंदर, कुछ ना कुछ तो हमें कुछ अलग नजर आ सकता है आलोक के अंदर। आप लोग बताओ कि आपको क्या लगता है, क्योंकि देखो ये पोस्ट करना ये कोई अनइंटेंशनली पोस्ट नहीं था, ये इंटेंशनली पोस्ट किया गया है ऑफिशियल पेज पर। फ्री फायर ब्राजील को टैग होना चाहिए ना, फ्री फायर इंडिया का क्या सेंस बनता है? मतलब अगर अच्छा तक टैग होना चाहिए तो फ्री फायर हमारे लेटम को टैग होना चाहिए, है ना भाई, ब्राजील और लेटम आसपास ही है, पर यहां टैग होना मतलब थोड़ा सा मेरे को सेंस नहीं बनाया। पर हाँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, अब ये चीज थी जिसका जिसने सबका ध्यान अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब किया वो ये था कि गरीना फ्री फायर टीम ने कुछ ऐसा पोस्ट किया है कि ये हमारा यहाँ पर सबने मेंशन भी करा कि भाई रोहित शर्मा सेलिब्रेशन इमोट होने वाला है, क्योंकि रोहित शर्मा ने अभी हाल ही में जब हमारे जीता था वर्ल्ड कप को तब उसके बाद कुछ इसी तरीके से सेलिब्रेट करा था। तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि रोहित शर्मा के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है, जैसे अभी हमारे एमएस धोनी के साथ भी अनाउंस हुआ था तो उसी तरीके से अब रोहित शर्मा के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है, उस पर बाद में आऊंगा। सबसे पहले आप ये देखो, बहुत सारे लोग कह रहे थे मुझे कि भूया ऐप वापस आने वाली है, जबकि मैंने स्ट्रीम पे साफ बोला कि भाई भूया ऐप के आने के चांसेस नहीं है, क्योंकि गरीना फ्री फायर ने उसको परमानेंटली शट डाउन करा है। ऐसा कुछ भी नहीं था जब भूया के शट डाउन का पोस्ट आया, तब ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन लोगों ने बोला है कि हम इस प्रोडक्ट को लेटर ऑन लेके आएंगे, रीलॉन्च करेंगे या फिर रीइंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था वहां पे। तो वहां पे साफ बोला था कि हम शट डाउन कर रहे हैं इसको, और उसके आगे कोई फर्दर चीज नहीं बताई थी कि फर्दर नोटिस नहीं रहता। तो मुझे नहीं लगता कि भूया वापस आने वाला है, जस्ट यही है कि गरीना फ्री फायर एडमिन टीम या फिर सोशल मीडिया टीम के पास ये बैकपैक पड़ा था, तो उन्होंने यहां पे सेलिब्रेट करने के लिए जस्ट दिखाया है, पार्ट है इस वीडियो का, ठीक है, और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा मत समझना कि भूया वापस आ रही है, आई एम ऑल्सो मिसिंग द भूया, बट नहीं आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे गरीना फ्री फायर ने बोला है व्हाट्स कुकिंग इन फ्री फायर मैक्स एंड व्हाट्स कुकिंग इन फ्री फायर मैक्स गेट रेडी टू एपिक सरप्राइज इन फिल टेक योर सेलिब्रेशन टू द नेक्स्ट लेवल स्टे ट्यून्ड। मैं आपको बताऊँ ये क्या होने वाला है, अभी हाल ही फिलहाल में गरीना, पहले उससे पहले आप ये देखो दोबारा से अभी इन लोगों ने एक घंटे पहले यही सेम पोस्ट करा है, दोबारा से पोस्ट करा है इन लोगों ने एंड सेम चीज बोली है कि कुछ आने वाला है, और देखो उसका सेलिब्रेशन क्या होने वाला है, ये और सेलिब्रेशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्या होने वाला है, अच्छा तक अभी हमारी 15th August आने वाला है एंड इस इंडिपेंडेंस डे पे मुझे लग रहा है गरीना फ्री फायर इंडिया के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग निकालेगी एंड ये इमोट एक सरप्राइज होने वाला है हम सभी के लिए। ये इमोट हमें गेम के अंदर शायद नजर आएगा जो कि एक स्क्वाड इमोट हो सकता है जिसके अंदर आप इस तरीके से अपनी एक ट्रॉफी को उठाओगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारा 15th August का एक इमोट होने वाला है जो गरीना फ्री फायर इन गेम बहुत ही जल्दी इंट्रोड्यूस करेगी। अब आपको पता होगा जैसे ही इंडियन टीम जीती थी गरीना फ्री फायर इंडियन टीम ने मतलब इंडियन पेज पर भी हमको कुछ ना कुछ पोस्ट और स्टोरीज नजर आई थी जहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट किया था कि हाँ भाई आप जीत चुके, बहुत अच्छा करा। एंड उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा के साथ कोलैबोरेशन शायद नहीं हो सकता है, जस्ट एक इमोट होगा जो हमें शायद गेम नजर आएगा। गरीना फ्री फायर ने इस टाइम पे अपने जो सीएस एलीट मोड है इसको पुश कर रखा है काफी ज्यादा, काफी सारे फ्री फायर के जो ऑफिशियल पार्टनर है उनके चैनल्स पे इसके गिववेज हो रहे हैं, मतलब ग्लू वॉल्स के गिववे हो रहे हैं एंड इस मोड को काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये मोड फर्दर हमें और भी ज्यादा डेवलप होता हुआ नजर आएगा, गरीना फ्री फायर का काफी ज्यादा की इंटरेस्ट होने वाला है इस मोड के अंदर। ये पूरा इंटरेस्ट इसलिए भी क्योंकि गरीना फ्री फायर काफी सारे प्लेयर्स के फीडबैक एंड आप लोगों ये जो गेम प्रोफाइल्स है उनको अच्छे से स्टडी करने के बाद ही लेके आई है। तो मुझे लगता है इसको फर्दर और भी ज्यादा पुश किया जाएगा एंड ऐसा भी लग रहा है कि मुझे आने वाले टाइम पे लोन वुल्फ को ही कुछ इस तरीके से डिजाइन करा जाए ताकि लोन वुल्फ भी आपको कुछ इस तरीके से नजर आए। देखते हैं अभी क्या निकल के आता फर्दर इसमें एंड काफी सारे सरप्राइज मैं अभी भी बोल रहा हूं, गरीना फ्री फायर टीम हमारे साथ शेयर नहीं कर रही है। मैं इतना बता रहा हूं कि 2023 से लेकर 2024 से लेकर 25 के बीच में हमें काफी कुछ अनाउंस होता हुआ नजर आएगा फ्री फायर के अंदर, बस यही है अभी न्यूज, ठीक है। और फ्री फायर इंडिया का कोई हिंट नहीं है, ना इस वीडियो से हिंट था, ना उस वीडियो से हिंट था, ना आलोक वाले से हिंट था, बस ये है कि दे आर कुकिंग समथिंग, दे आर प्लानिंग टू कोलैबोरेट एंड मे बी हमें लेटर ऑन जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ नया नजर आ सकता है।
पर वो आलोक वाली है भाई, वो जो आलोक वाली चीज है ना वो मेरे लिए रियल डील है, क्योंकि ऐसा कैसे अनाउंस कर, मतलब पोस्ट कैसे कर दिया, आलोक ब्राजील के साथ पोस्ट करता है आर्मी से जो भी करता है, फ्री फायर इंडिया के साथ कैसा करा, हद से तक तो लेटम के साथ करना चाहिए था, इंडिया के साथ पोस्ट करा, वो चीज मुझे लग रहा है कि दे आर कुकिंग समथिंग विद आलोक। अब आप लोग मुझे बताओ आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। एंड हाँ गाइस, मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, मैं प्लान कर रहा हूँ हर संडे आपके लिए कुछ नया लेके आने का। अभी तो मेरा ये प्लान है कि हर संडे हम गेम प्ले पोस्ट करें, जिसको अगर आप प्यार दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाल के पूछा था आपसे कि भाई आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए, आप लोगों ने बोला कि हाँ हमें गेम प्ले वीडियो चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि हर हफ्ते आपके लिए ओनली ऑन संडे कुछ यूनिक लेके आ जाए जो हमारे नॉर्मल कॉन्टेंट से अलग होगा। बाकी आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर से बताना। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू टिल देन, बाय बाय और टाटा।